नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों अगर आपका बजट कम है, जी हाँ, और आप कम बजट में एक स्टाइलिश गाड़ी लेना चाहते हैं, आप जो है टियागो पे नहीं जाना चाहते, टियागो काफ़ी पुरानी हो गई है गाड़ी, जी हाँ, और आपको लगता है कि टियागो छोटी गाड़ी है, मुझे थोड़ा सा प्रीमियम गाड़ी पर जाना है, तो ये जो गाड़ी का वेरियंट है टाटा अल्ट्रोज का XE प्लस आपके लिए काफ़ी बढ़िया साबित हो सकता है। जी हाँ, आपको इसमें जो है बेसिक फीचर सारे आ जाते हैं जो ज़रूरत होते हैं एक बेसिक कार के अंदर। दोस्तों XE प्लस का जो शोरूम है वो है 6,79,900 रुपीज़ का। बात करें RTO इंश्योरेंस मिला के तो ऑन रोड इसका प्राइस हो जाता है 7,86,985 रुपये का। तो ज़्यादा फ़र्क जो है नहीं है, 30-40,000 का फ़र्क है ऑन रोड के अंदर। जो एग्जिट जो फ़र्क है वो मैं आपको लिख दूंगा साइड में, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जी हाँ, 40,000 का ही फ़र्क है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है पैकेज मिल जाता है। क्या क्या मिलता है मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपेयर कर रहे हैं अगर हम टाटा टियागो XT से, तो ये जो गाड़ी है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। शुरू करते हैं, कंपेयर करते हैं इन दोनों गाड़ियों को कि XT के सबसे पहले तो यार मैं आपको बता दूं सेगमेंट ही चेंज हो रहा है। जी हाँ, ये जो है हैचबैक स्मॉल कार है, जी हाँ, एंट्री सेगमेंट गाड़ी है, वहीं ये एक जो है प्रीमियम हैचबैक इसे हम कहते हैं। जी हाँ, काफ़ी बढ़िया मिलती है। चाबी कुछ इस तरह की आती है इसके अंदर, जी हाँ, चाबी टाटा टियागो XT में सेम आती है। 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं लॉक अनलॉक के लिए, तो जहाँ लॉक करोगे आप तो इसके सबसे क्या बड़ा डिफरेंस क्या मिलेगा कि ये जो गाड़ी के मिरर हैं फोल्ड हो जाएंगे और अनफोल्ड हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये गाड़ी के मिरर जो है लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड अनफोल्ड होते हैं, वहीं टियागो XT में जो है ये चीज़ नहीं होती है। बात करें इसके अंदर जो लाइट्स हैं वो आपको हेलोजन ही मिलती हैं, सेम मिलती हैं हेलोजन उसमें भी, और इसमें आपको जो है ये जो मेन लाइट है वो ऑन होती है। जब आप फॉलो मी हेडलैम्प फंक्शन ऑन करोगे ना तो मेन हेडलैम्प के साथ जो पार्किंग लाइट वो भी ऑन होती है, जबकि इसके अंदर फॉलो मी हेडलैम्प में जो है सिर्फ पार्किंग लाइट ऑन होती है। तो ये जो है एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। बात करें सेंटर ग्रिल की, तो जहाँ टाटा टियागो के अंदर आपको ट्रायरो शेप में मिलती है, इसके अंदर आपको जो है कुछ इस तरह की राउंड शेप में जो है ग्रिल जो है देखने को मिलती है, जो कि अच्छी लगती है। बात करें सेंटर में आपको जो है टाटा का लोगो देखने को मिलता है। लोअर ग्रिल जो है कुछ इस तरह की मिलती है, ऑब्वियसली टाटा टियागो से काफी वाइड भी है, चौड़ी भी है, अंदर स्पेस भी काफी मिलता है आपको। आप जो है सेंटर में डिजाइन वगैरह देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्रीज लाइन है काफी अच्छी दिखती है, बोनेट जो है काफी सुंदर दिखना है। और यार अल्ट्रोज तो प्रीमियम लुक के साथ आती है, तो प्रीमियम हम इसको हैचबैक कहते हैं, तो इसका जो लुक है काफी प्रीमियम निकल के आता है। बात कर दोस्तों साइड में क्या क्या मिलता है, उससे पहले ये जो क्रोम देख रहे हो ना आप, क्रोम एकदम जैसा कि देख रहे हो टाटा टियागो में आता है, लेकिन इसका जो क्रोम है थोड़ा और स्टाइलिश लगता है मुझे। यहाँ पर जो है प्रॉपर ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम इस गाड़ी को बनाया जाता है। इस गाड़ी में आपको किस तरह का फोग लैंप या फिर DRL वगैरह देखने को नहीं मिलती है। बात करें टायर के बारे में, तो ब्रिजस्टोन के आपको इसमें टायर मिलते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो 165/80 सेक्शन का आपको जो है टायर मिलता है, जो कि काफी सही चीज है यार। 14 इंच का आपको स्टील रिम देखने को मिलता है, इसमें आपको जो है व्हील कैप नहीं आते हैं, उसमें आपको व्हील कैप देखने को मिल जाते हैं। बात करें इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर आपको यहाँ अल्ट्रोज में कोई सा वेरिएंट ले लो, आप इसमें जो एग्जिट प्लस पे जाओगे, डार्क में जाओगे ना, तो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, वहीं आपको टाटा टियागो के अंदर मिरर में आता है। तो मिरर जो है इसके आपको ऑल ब्लैक मिलेंगे, ग्लोसी ब्लैक में मिलेंगे, जो कि प्रीमियम फील कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया अनलॉक करने पे ये जो है अनफोल्ड हो जाते हैं और लॉक करने पे फोल्ड हो जाते हैं। बात करें यहाँ की, तो यहाँ आपको जो है दो वाइपर दो वॉशर मिलते हैं और आपको कुछ इस तरह का जो है एंटीना देखने को मिलता है। आपको जो है ये जो ब्लैक जो लाइन है काफी सुंदर लगती है, जो टाटा अल्ट्रोज में आती है, एक गाड़ी को जो है काफी सुंदर बना देती है। बात करें कुछ और चीजों की, तो क्वालिटी वाइज जो है काफी बढ़िया है, डोर हैंडल वगैरह काफी बढ़िया है, और यहाँ पे दरवाजा खोलने के लिए अलग ही सिस्टम आपको मिलता है, यहाँ पे कहीं दिखता नहीं है, सिर्फ वहाँ ऊपर देखने को मिलता है, बीट में भी आता था पहले ये, तो ये जो सिस्टम है काफी अच्छा। और एक चीज जो मिलती है आपको मिलती है भाई 90 डिग्री पे खुल जाता है, तो कुछ इस तरह से जो है वाइड ओपन होते हैं इसके जो दरवाजे हैं, काफी वाइडली ओपन हो जाते हैं, तो बुजुर्ग व्यक्ति को चढ़ने उतरने में जो है कोई दिक्कत जो है नहीं आती। दोस्तों बात करते हैं रियर सेक्शन के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ आपको जो है फ्यूल फिल के मिल जाता है, यहाँ पर जो है 37 लीटर का आपको जो फ्यूल टैंक मिलता है। बात करें रियर सेक्शन की, तो यार इसका जो स्टाइल है वो काफी अलग है, मतलब ऑल ब्लैक मिलता है आपको पीछे से, और यहाँ पर जो लाइट्स हैं वो भी काफी सुंदर आपको जो है देखने को मिलती है, तो ब्रेक लाइट जो है काफी अच्छी मिलती है, सुंदर भी लगती है देखने के अंदर। ये जो है LED आपको देखने को नहीं मिलती है, हैलोजन में मिलती है, लेकिन सुंदर जो है काफी लगती है, नाइट में आपको काफी बढ़िया जो है लुक ही ऑफर कर देती है। सेंटर में थोड़ा प्रीमियम लुक के साथ अल्ट्रोज यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सेंटर में आपको टाटा लोगो मिल जाता है। बात करें पीछे ऊपर की, तो यहाँ पर आपको किस तरह का वाइपर वॉशर जो है देखने को नहीं मिलता है, हाई स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, ये सारी चीजें टाटा टियागो में सेम है, वाइपर वॉशर आपको नहीं मिलता है, हाई स्टॉप लैंप मिलता है, डिजाइन यहाँ पे मिल जाती है जो टाटा टियागो में आती है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाती है, तो लुक जो है प्रीमियम हो जाता है काफी ज्यादा, और ये गाड़ी जो है प्रीमियम है यार, मतलब इस गाड़ी के क्या ही कहने। बाकी बात करें दोस्तों बूट स्पेस की ना, तो यार इसको ओपन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है, जी हाँ टियागो में आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी नहीं मिलता है, तो यहाँ से आप जो है
दबा के इसको ओपन कर सकते हो भैया। बूट बड़ा मिलता है, जी हाँ बड़ा डिफरेंस है, उसके अंदर आता है 242 का, इसके अंदर आता है 345 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बूट स्पेस है दोस्तों। और इसमें आपको पार्सल ट्रे जो है देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं दोस्तों कुछ हुक की, तो यहाँ पर जो है 3-3 किलो के हुक जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो बूट है काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। लोडिंग लिप जो है आपको काफ़ी मिल जाती है, लेकिन जो स्पेस है काफ़ी मिलता है। बात करें स्पेयर टायर की, तो यहाँ पर आपको जो स्पेयर टायर मिलता है, तो स्पेयर टायर की जो साइज़ है वो है 165/80R14। तो ये आपको जो है स्पेयर टायर दोस्तों देखने को मिल जाता है। बाकी टाटा की जो मोबिलिटी किट है, पंचर रिपेयर किट, वो आपको मिलती है। और काफ़ी बड़ा आपको जो है बूट स्पेस मिल जाता है। आप जो है सीट को फोल्ड वगैरह भी कर सकते हो इजीली। यहाँ पर जो है एक बटन दिया गया है, उससे आप जो है सीट को फोल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होगी। बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी जो है आपको टाटा अल्ट्रो से मिलती है। मतलब एक शोरूम में ना 42,000 का ही फ़र्क है टाटा टियागो XT में और टाटा अल्ट्रोस XE प्लस के अंदर। तो मेरी प्रेफरेबल चॉइस है ना, अगर मेरे को गाड़ी लेनी है तो मैं 40,000 नहीं देखूंगा, मैं जाऊंगा टाटा अल्ट्रोस XE प्लस पे। और इसका जो व्हील बेस है वो भी ज़्यादा है यार, 2501 mm का आपको जो है व्हील बेस मिलता है। जी हाँ, काफ़ी लंबी है गाड़ी, अंदर जो स्पेस काफ़ी मिल जाएगा आपको। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, 165 mm का आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। बाकी दोस्तों इस गाड़ी के डायमेंशन जो है आपको स्क्रीन पे और देखने को मिल रहे होंगे, जो लेंथ विड्थ और हाइट है आपको स्क्रीन पे मिल रहा होगा। इंजन के बारे में बात करते हैं, और यहाँ से जो है ये ओपन होता है इंजन का। तो ये जो थोड़ा क्वालिटी वाइज जो है प्रीमियम लगता है, उसमें थोड़ा सा ऐसे ब्लैक कलर का दिया हुआ है, तो ये जो है ज़्यादा प्रीमियम मुझे लगता है। आपको इंजन के बारे में बताते हैं, तो इंजन जो है अब वैसे भी BS6 फेस 2 में काफ़ी इंप्रूव जो है हो चुके हैं टाटा के इंजन। तो दोस्तों ये है टाटा अल्ट्रोस का 1199cc का रेवोट्रॉन इंजन। जी हाँ, और जो BS6 फेस 2 में काफ़ी बढ़िया चेंज आ गए हैं, काफ़ी स्मूथ जो है ये हो गया है, आवाज़ भी जो है कम करता है। 3 सिलेंडर इंजन है बेसिकली, 88 PS की पावर आपको जनरेट कर देता है 6000 RPM के ऊपर। बात करें टॉर्क की, तो 115 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 3250 RPM के ऊपर। यहाँ पर जो है साउंड डेंटिंग मेटल का भी यूज़ किया गया है दोस्तों। BS6 फेस 2 के बाद जो है अपडेट आ गए हैं ना इस गाड़ी के इंजन में, वो काफ़ी काबिल तारीफ है दोस्तों। एक बार इंजन को स्टार्ट करके मैं आपको बताता हूँ किस तरह की आवाज़ जो है आ रही है नहीं आ रही है। एक बार आप वाइब्रेशन भी चेक कर लो डैशबोर्ड का, आपको कितना देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है एक बार जीरो कर देता हूँ मैं, तो एक बार डैशबोर्ड पर आप जो है वाइब्रेशन चेक कीजिएगा, तो बिल्कुल एकदम ज़रा सी वाइब्रेशन। मतलब यार टाटा ने क्या इम्प्रूव किया है क्वालिटी में, इंजन के वाइब्रेशन में। मतलब यार फील तो होता है ओबियसली, क्योंकि गेट खुला हुआ है तो आवाज़ तो आती आती है, लेकिन भाई यहाँ देखो इम्प्रूवमेंट देखो, एक बार सुनो आवाज़ को। तो भैया काफ़ी कम वाइब्रेशन और काफ़ी कम आवाज़ जो है अब टाटा के इंजन से आने लगी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एक काम करते हैं गाड़ी के अंदर चलते हैं अब, और अंदर बैठ के आपको बताते हैं किस तरह की आवाज़ अब आ रही है नहीं आ रही है। तो गाड़ी के अंदर दोस्तों मैं आ चुका हूँ, और तो भैया बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी चालू है या बंद है। हल्की सी जो है ना, बस हल्की सी आवाज़ है, वो भी आपको मतलब पहले की कंपेयर करूँ ना तो यार जीरो है। तो भाई साहब काफ़ी इम्प्रूव जो हो चुका है। तो और चीज़ें आपको बता देते हैं, यहाँ पे आपको जो है 2 पावर विंडो मिलते हैं। जी हाँ, टाटा टियागो XT में आपको जो है 4 पावर विंडो मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 ही मिलती है। तो बाद में आप जो है 2 पीछे और लगवा लीजिए, लेकिन आप जो है एक सेगमेंट जो है ऊपर जा रहे हो, टाटा टियागो XT जो है वहाँ पे खड़ी हुई है XT वेरिएंट, उससे जो है आपको यहाँ पे ये चीज़ जो है कम मिलेगी। और उसमें आपको जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिलेंगे, लेकिन यहाँ आपको जो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेंगे। भैया सेगमेंट चेंज हो रहा है, फीचर मत देखो आप, सेगमेंट जो है ना एक ऊपर जा रहे हो आप, और क्वालिटी जो है ना वो ऊपर जा रहे हो आप। तो यहाँ पर आपको जो हॉर्न के लिए कंट्रोल मिलता है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया चीज़ है सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए। तो सेंटर में आपको दबाने की जरूरत नहीं, यहीं से आप दबा सकते हो। आपको जो है वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पर जो है हेडलैम्प और जो इंडिकेटर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे। बात करें दोस्तों MID के बारे में, तो ये जो है काफ़ी बढ़िया MID कंपेयर करें अगर मैं, डिजिटल वाली आती है वैसे टाटा टियागो XT के अंदर, लेकिन ये जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखाती है। उसमें अलग की स्पीड जो डिजिटल में आती है, यहाँ पर जो है कुछ इस तरह का एनालॉग मीटर आपको मिलता है, यहाँ पर लेफ्ट में आपको जो है कुछ इस तरह का टेकोमीटर मिलता है। सेंटर में MID है, तो यहाँ पर आप जो है इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ओडोमीटर आपको मिलता है, ट्रिप मीटर आपको मिलता है, ट्रिप मीटर आपको जो है 2 देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाता है, एवरेज वगैरह भी दिखाता है, तो डिस्टेंस टू MT वगैरह भी दिखा देता है, और ऊपर जो है फ्यूल गेज दिया हुआ है, ऊपर टाइम वगैरह भी दिखाता है, और कुछ वार्निंग जो है यहाँ पे आ जाती है। बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, तो इसको सेट वगैरह आप जो है इस वाले बटन से कर सकते हो, बटन यहाँ पे दिए गए दोस्तों। बात करते हैं सेंटर के बारे में, यहाँ पर आपको जो है म्यूजिक सिस्टम मिलता है, तो ये जो है छोटा वाला म्यूजिक सिस्टम है,
और यहाँ पे होम जो है यहाँ से आ सकते हो, फेवरेट आप जो है ऐड कर सकते हो, ये जो है ट्रैक वगैरह चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ जो है आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, अपने फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से जो है बैक जा सकते हो जी हाँ। और यहाँ पर जो है इसको टॉगल करने के लिए बटन दिया गया है सेटअप वगैरह पे, डिस्प्ले पे, फ़ोन पे, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, इसको जो है सेटअप पे सेलेक्ट कर सकते हो, ये सब चीज़ जो है आप यहाँ से कर सकते हो ब्लूटूथ सेटअप वगैरह। सेंटर में ऐसे के इवेंट है यहाँ पर टिकटॉक ये दिया हुआ है तो ये आपको मिल जाता है। नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पर जो है आपको मिलता है एसयू के कंट्रोल, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं, ऐसा लगता नहीं कि ये जो है बेस वेरिएंट के जो कंट्रोल्स हैं। यहाँ आप देख सकते हो एयर का डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो, ये जो है स्पीड चेंज कर सकते हो, फैन स्पीड जो है चेंज कर सकते हो। इसका जो एसी है ना, मैं आपको सच बताऊं पावरफुल है टाटा टियागो से ज्यादा। बात करें यहाँ की तो ये आपको डिफोगर के साथ आप जो यूज कर सकते हो, डिफोगर दिया हुआ है फ्रंट में, ये जो है एयर सर्कुलेशन दिया हुआ आपको, ये जो है आप एसी को यहाँ से ऑफ कर सकते हो और एसी को यहाँ से जो है ऑन कर सकते हो, ये एसी यहाँ पे ऑन हो जाता है। टेम्परेचर आप जो सेट कर सकते हो, इधर कूल है इधर हॉट है। बाकी नीचे की बात करें तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है और यहाँ पे जो है यूएसबी पॉइंट भी आपको मिलता है चार्जिंग के लिए, आप गाने वाने भी चला सकते हो। यहाँ पे काफी स्पेस है, मोबाइल वगैरह वॉलेट वगैरह रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है रिवर्स के साथ जी हाँ। बात करें नीचे की तो यहाँ पे इको मोड मिलता है, तो यहाँ पे इको मोड का साइन आ जाता है जी हाँ, और बोलता नहीं है, पहले बोलता भी था। बात करें दोस्तों यहाँ की तो यहाँ पर भी कुछ स्पेस आपको मिल जाता है और यहाँ पर भी आपको जो है कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं। ये हैंड ब्रेक है जिसका जो टिप है वो आपको क्रोम में देखने को मिलता है। बाकी सीट वगैरह ज़्यादा कंफर्टेबल है टाटा टियागो से कंपेयर करें तो, ऑब्वियसली यार एक सेगमेंट ऊपर गाड़ी में हम बैठे हैं तो कंफर्टेबल और स्पेस तो मिलता ही मिलता है। बात करें ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स जो है काफ़ी बड़ा है अल्ट्रोस का, जैसा कि आप देख सकते हो काफ़ी डीप है, काफ़ी बड़ा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, कप होल्डर वगैरह मिल जाते हैं, जगह जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। और प्रीमियम लुक है यार, ब्लैक एंड बेज का काफी बढ़िया कॉम्बिनेशन है, सिल्वर सेटिन फिनिश आपको मिल जाती है। हाँ बस एक्सी प्लस के अंदर ये आपको जो है डे नाइट एयरवेम जो नहीं मिलता है, या बाद में चेंज करवा लेना। यहाँ पर जो है आपको इस तरह की येलो लाइट मिल जाती है। बात करें यहाँ की तो यहाँ आपको जो है जो मिरर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको जो है एक टिकट होल्डर देखने को मिलता है। और यहाँ बात करें तो ये जो है फिक्स टाइप के आपको ये जो है हैंडल देखने को मिलते हैं पकड़ने के लिए। और नीचे की बात करें तो बोतल होल्डर वगैरह आपको काफी बड़े देखने को मिलते हैं, तो बोतल जो है इजिली आ जाएगी। सीट की क्वालिटी वगैरह जो है काफी बढ़िया है, होल्ड जो है इजीली कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीट जो है बहुत कंफर्टेबल है कंपेयर करें टियागो XT से। तो 42,000 देने में आपको कंफर्टेबिलिटी जो है काफी अच्छी मिलती है। डेड पेडल वगैरह भी आपको दिया गया है, ABC पेडल नीचे आपको देखने को मिल जाते हैं। मैंने मेरे हिसाब से जो है सीट को एडजस्ट कर रखा है, तो पीछे जाके भी आपको स्पेस बता दूंगा। अब एक काम करते हैं, मेरा सीट जो सीट हाइट वगैरह वो आप चेक कर लो, हाइट जो है प्रॉपर मिल रही है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। सीट हाइट जो है आप एडजस्ट नहीं कर सकते इस गाड़ी की, लेकिन काफी कंफर्टेबल जो है इसकी सीटिंग है, मुझे बैठ के काफी अच्छा लग रहा है। मतलब टियागो XT से मैं अभी अभी जो है अल्ट्रोज में आया और मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा है। इसका एसी का थ्रो जो है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। अब दोस्तों एक काम करते हैं, पीछे चलते हैं और पीछे की सीट पे आपको बताते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। बाकी यार ये जो गाड़ी है 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और 5-स्टार का फील जो है पूरा देती है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो गाड़ी है इसके अंदर आपको कुछ इस तरह के कंट्रोल देखने में मिलता है यार इसके लिए, जो कि ठीक है आप जो है बाद में लगवा सकते हो थोड़ा बहुत पैसे देके। और ये जो कंट्रोल मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह के मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में, इसको पकड़ के आप जो है इसको गेट को बंद कर सकते हो। जो फील है वो मैं आपको बताता हूँ, आप भी सुनिएगा, अगर आपने ईयरफोन लगा रखा होगा ना तो मज़ा ही आ गया होगा। तो दोस्तों अंदर बैठते स्पेस की तो भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है, लेग रूम काफ़ी बढ़िया है, नी रूम कोई दिक्कत नहीं है, अंदर आराम से पैरों को फैला लो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर हम काफ़ी कम मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 3 लोग बैठ सकते हैं। टियागो XT से कंपेयर करें तो बहुत जगह है यार, व्हील बेस में काफ़ी अंतर है, 101 mm का अंतर आपको मिलता है व्हील बेस के अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको जो है मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, तो मोबाइल आप जो है यहाँ पर रख सकते हो। बाकी काफ़ी बढ़िया जो है आपको कंफर्टेबिलिटी मिल जाती है और यहाँ पर जो है चाइल्ड सीट एंकरेज भी मिल जाती हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। जो हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स टाइप के मिलते हैं जी हाँ, टियागो XT में भी फिक्स भी मिलते हैं, तो ये जो है काफी बढ़िया। लेकिन यार बैठने में जो फील है वो काफी प्रीमियम है और जो क्वालिटी ऑफ सीट है, फैब्रिक है, वो सारी जो है आपको थोड़ा अलग फील कराएंगी, थोड़ा प्रीमियम जो है फील करवाएंगी और एक आपको लगेगा कि यार आप जो है एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी में बैठे हो और 5-स्टार भी सेफ्टी मिलती, तो ये गाड़ी जो है प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में सबसे सेफ गाड़ी मानी जाती है जी हाँ। ग्लोबल एनकैप ने इसको 5-स्टार रेटिंग दी है और ये सेफ्टी रेटिंग को दिखाती भी है। मतलब यार इसके फीचर्स भी सेफ्टी रेटिंग सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत बढ़िया फीचर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, तो काफी सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप इस बजट में देख रहे हो ना, सिर्फ टाटा टियागो XT से 42,000 ही ज्यादा है, उसमें आपको जो सेफ्टी के भरमार फीचर जो है देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन पे मैं जो है नाम वगैरह लिख दूंगा तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या आता है, भरपूर लिस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी यार बढ़िया अपडेट जो है ये हो जाएगा अगर आप आपकी पहली गाड़ी चूज कर रहे हो और आपका बजट कम है ना, इस ऑप्शन पे जाओ, आपको जो है कोई भी दिक्कत जो है नहीं।
नहीं आने वाली है। बाकी दोस्तों हेडरूम वगैरह के बारे में बात करें तो हेडरूम में कोई दिक्कत नहीं है जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हो अगर आप बजट सेगमेंट के हिसाब से देखोगे उस हिसाब से काफी स्पेस है। मैं आराम से अपने पैर जो है फैला के बैठा हुआ, मुझे कोई भी दिक्कत जो है नहीं आ रही है, बहुत कंफर्टेबल बैठा हुआ इस गाड़ी में। कंपेयर करें अगर हम टियागो एक्सटी से तो कंपेयर करें अल्ट्रोस को, तो काफी कंफर्टेबल गाड़ी हो जाती है और काफी स्पेस भी आपको देखने को मिलता है। सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है इंप्रूव करनी चाहिए अल्ट्रोस के अंदर वो है इसका लॉक सिस्टम। जैसा कि आप देख सकते हो इस तरह से जो है ये लॉक होता है, अंदर घुसाओगे लॉक हो जाएगा, तो बच्चे जो है ना इसको इजिली ओपन कर लेते हैं, इजिली जो है इसे कर लेते हैं, तो एक साथ जो है ना पूरा दरवाजा खुल जाता है। बस ये चीज जो है इंप्रूव करनी चाहिए थोड़ा सा, लॉकिंग मैकेनिज्म जो है ना वो टियागो वाला थोड़ा ज्यादा बेटर लगता है मुझे, तो ये चीज़ जो है इम्प्रूव करनी चाहिए। बाकी यार सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी बढ़िया गाड़ी ये हो जाती है और मुझे काफ़ी पसंद भी है अल्ट्रोज अगर हम बात करें क्वालिटी के हिसाब से भी। तो दोस्तों आपको सिर्फ 42,000 ज़्यादा देने हैं टियागो एक्सटी के ऊपर और आपको मिल जाएगी टाटा अल्ट्रोज एक्सई प्लस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो वीडियो है पसंद आएगा, और हाँ अगर आप कोई और इंक्वायरी चाहते हो किसी और वेरियंट के बारे में तो आपको नंबर दे दूंगा मैं यहाँ का, आप जो है कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, कोटेशन ले सकते हो, ऑफर्स वगैरह जान सकते हो, नंबर मैं दे दूंगा यहाँ पे, शोरूम का नंबर आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों फिर से किसी नई वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।